and welcome to Times of MGM. Myself, Yashasvi Uike. Today's news headlines are as follows. First of all, some international news. The overall number of global coronavirus cases has topped 55.7 million, while the deaths have surged to more than 1.3 million. Now some national news. 11 of family killed in truck collision near Vadodara, including 6 women and a child, and over a dozen others were injured in the early hours of Wednesday at Vaghoia Crossroads in Gujarat. Now some local news. Chief Minister Bhupesh Baghel met Union Petroleum Natural Gas and Steel Minister Dharmendra Prasad in New Delhi on Tuesday and sought approval for production of ethanol using Star Plus paddy purchased from farmers of Chhattisgarh. By New Education Policy 2020, all courses will have major and minor. For example, a science student can choose chemistry as its major subject while music as its minor. Now some MGM news. As we all know, our school has started a new YouTube channel named MGM School Bhilai. Has now achieved 1.6k subscribers. Congrats to the whole MGM family. The last video, which was broadcasted about sports, was very much appreciated. The participants has really worked hard and done a great job. So this was today's main headlines. Thank you and stay tuned for further updates. ATL learning. Now in the previous session you have learnt what is current, voltage and resistor. Now in this session you are going to learn how to glow an LED by using breadboard. For that you need the components breadboard, LED, jump wire and battery. Now what is breadboard? It is a prototyping of electronics. ये plastic rectangular band होता है जिसमें बहुत सारे holes होते हैं. जो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू स्ट्रिप्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बना है उसको रेल्स कहा जाता है और वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और बीच के जो होते हैं होल्स दे आर कनेक्टेड पैरेलली. सो आप इसको अगर देखेंगे, सपोज आपने यहाँ कोई जंप वायर यहाँ अटैच किया तो ये पूरा सीरीज आपका, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पूरा पॉजिटिव हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव हो जाएगा और अगर आप बीच में जो पैरेलल कनेक्शन में अगर आप कोई जंप वायर कनेक्ट करते हो पॉजिटिव का तो वो वर्टिकली आपका पूरा लाइन जो है वो पॉजिटिवली कनेक्टेड हो जाएगा. अगर हम इसका बैक टेप, आप इसका बैक साइड देखेंगे, इसका टेप अगर हम निकाल देंगे तो आपको इस टाइप का कुछ इनबिल्ट मिलेगा. सो यू कैन इजीली सी ये जो दो लाइंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है और बीच के पूरे लाइंस पैरेलली कनेक्टेड है एंड हियर ऑल्सो ये सीरीज में कनेक्शन है. नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज एलईडी. एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड. इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो हेड होते हैं, एक लॉन्गर होता है और एक शॉर्टर होता है. जो लॉन्गर हेड होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जिसको एनोड कहते हैं. जो शॉर्टर हेड होता है वो नेगेटिव होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं. एज यू हैव सीन इन दिस डायग्राम, कंपोनेंट इज जंप वायर. जंप वायर यूज टू कनेक्ट द डिवाइसेस. सो यहाँ आप देख सकते हैं ये जंप वायर, इसमें दो टर्मिनल्स हैं. ये बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है. Now the next component is battery. It is used for power supply. So you can see here, यहाँ आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एक plus sign दिखेगा, इसका मतलब ये positive terminal है और यहाँ आपको एक negative sign दिखेगा, इसका मतलब ये negative terminal है. You can see how to glow an LED by using the breadboard. तो उसके लिए ये LED लिया है. आप देख सकते हैं जो ये longer head है ये positive terminal है और ये negative terminal है. और मैंने यहाँ एक ब्लैक मार्क लगा के रखा है. सो यू कैन ईजिली सी कि ये वाला साइड जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है. अब हम इसको इस होल्स में अटैच करेंगे. एनी वेयर यू कैन अटैच इट. सो यू कैन सी ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमने ऐसे अटैच इसको कर दिया है. अब हम जंप वायर लेंगे एक साइड जो इसका. अब आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपका लाइन है ये पूरा पॉजिटिव है. तो ये जंप वायर मैंने यहाँ अटैच किया है ये पॉजिटिव के लिए और दूसरा एक जंप वायर में नेगेटिव के लिए अटैच करूंगी. तो आप किसी भी इस ये जो पूरी लाइन है आपकी नेगेटिव है, आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी आपका जो ये पॉजिटिव वायर है, ये जो रेड वायर है वो पॉजिटिव है और ये जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव है. तो पॉजिटिव को हम बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करेंगे और नेगेटिव को हम बैटरी के नेगेटिव से अटैच करेंगे. सो जैसे ही अटैच करेंगे यू कैन सी कि बल्ब ग्लो हो रहा है.
Now next we will see how to connect two LEDs in series connection. So आप यहाँ देख सकते हैं पहले LED का जो positive है वो दूसरे LED के negative के साथ connected रहेगा और पहले का negative और दूसरे का जो positive है वो battery के negative और positive terminal के साथ connected रहेगा. So आप यहाँ देख सकते हैं मैं एक connection आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो LED है, पहले का positive दूसरे के negative के साथ connected है और ये जो नेगेटिव है ये ग्रीन वायर नेगेटिव है और इसका जो पॉजिटिव है ये वाइट वायर जो आपका पॉजिटिव होता है. अब हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ. सो वाइट वाला जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और जो ग्रीन नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा. सो जस्ट वी विल कनेक्ट इट एंड वी विल सी. देखिए आप देख सकते हैं हमारे दो LED एक साथ ग्लो हो रहे हैं. सो ये होता है सीरीज का. हाउ कैन वी कनेक्ट टू LEDs इन पैरेलल. सो हियर यू कैन सी जो ये ब्लैक वाला फर्स्ट LED है और ये ग्रीन वाला सेकेंड LED है. सो ब्लैक का जो नेगेटिव और ग्रीन का जो नेगेटिव है वो एक साथ कनेक्ट होंगे और ब्लैक का जो पॉजिटिव ग्रीन का जो पॉजिटिव है वो एक साथ कनेक्ट होंगे. फिर थ्रू जंप वायर्स इसका नेगेटिव जो है वो हम बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो पॉजिटिव है वो हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे टू ग्लो द LED. आप देख सकते हैं दो LEDs है जिनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है. तो ये जो है वायर ये येलो वायर जो है पॉजिटिव है और ऑरेंज वायर जो है नेगेटिव है. तो हम इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ और ऑरेंज को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे टू ग्लो द LEDs. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LED हमारा जल रहा है. तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है. टुडे सेशन यू हैव लर्न द आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेडबोर्ड टू ग्लो एन LED एंड हाउ टू ग्लो टू और मोर LEDs इन सीरीज एंड पैरेलल.